नमस्कार जोहार, मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूँ इसन इंडिया में। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की कार्य समिति बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश जी और रांची के माननीय विधायक सीपी सिंह जी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी, रांची महानगर अध्यक्ष के गुप्ता जी और रांची महानगर के उप महापौर संजीव विजय वर्ग जी एवं अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। चलिए मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाता हूँ किस प्रकार से सभी नेता कार्य समिति की बैठक में मौजूद हैं। बढ़ाने के लिए जनता को यह महसूस होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सुख और दुख में शामिल के बीच अपनी उपस्थिति विभिन्न माध्यमों से दर्ज कराने का काम किया है, चाहे वो सूखा राशन बांटने का काम हो। हमारे बीच में मौजूद है रांची के माननीय विधायक स्वागत है सर। आज गवर्नमेंट जी का शपथ ग्रहण है, इस मौके पर कई मंत्रियों के द्वारा सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाया गया है कि आदिवासी सर आदिवासी चेहरा को गवर्नर नहीं बनाके अपने पसंदीदा चेहरा को गवर्नर बनाया जा रहा है, इस स्टेटमेंट में क्या कहना चाहिए? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, गवर्नर किसको बनाना है, कहाँ का बनाना है, ये तय कौन करे, तय करती है केंद्र भैया मोदी जी तय करते हैं, के बाद राष्ट्रपति जब उसको घर में गाते हैं तब जाकर के वो गवर्नर बनता है। अब ये इनका कहना कि आदिवासी गवर्नर होंगे, इनके दिमाग में जो है ये कभी कभी लगता है हिंसा टाइप का चीज भरा, यही कारण है इस तरह की भैया जो गवर्नर यहाँ से आ रहे हैं रमेश भाई, वो 7 बार सांसद रहे हैं, पहले भी गवर्नर थे, जब उनको गवर्नर बना तो उनको परेशानी ओबीसी से आते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी इस बात का नहीं है, उन्हें परेशानी इस बात का है कि हर चीज में ये जात पात ढूंढते रहते हैं और ये गड़बड़ की है। इसी से क्या फर्क पड़ता है, जैसा कि आपने देखा है किस प्रकार से कार्य समिति की बैठक में भाजपा झारखंड प्रदेश एवं राज्यसभा के सांसद माननीय दीपक प्रकाश जी, रांची के माननीय विधायक सीपी सिंह जी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी, रांची महानगर अध्यक्ष के गुप्ता जी एवं अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आपने देखा है किस प्रकार से गवर्नर पे जो स्टेटमेंट दिया गया है झारखंड सरकार के मंत्रियों के द्वारा, उस स्टेटमेंट पर सीपी सिंह ने यही कहा कि उनका जो नए गवर्नर का हम लोग को यह देखना है कि किस प्रकार वो 7 बार सांसद रह चुके हैं, ना कि हमें आदिवासी और जनरल कहना है। इसी के साथ आगे के तमाम जानकारी बने रहे एशियन इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय के साथ, कैमरा मैन शुभम बैनर्जी।